अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। मंदिरों में लगी है भक्तों की कतार, देवी माँ का भी कर दिया गया है श्रृंगार। ये है आस्था और विश्वास का त्योहार, ये है नवरात्रि का पवित्र त्योहार। शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि आज से आरंभ हो गया है। पंचांग के अनुसार अश्वनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है। इन पवित्र 9 दिनों में माँ आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी माँ नवरात्रि के 9 दिनों में धरती पर विचरण करती है और अपने भक्तों के कष्टों को हर कर उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है माता शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माँ शैलपुत्री ने पर्वत राज हिमालय की पुत्री के रूप में अवतार लिया था। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल रहता है। माँ का वाहन वृषभ है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन अगर माँ शैलपुत्री की सही विधि और सच्चे मन से आराधना की जाए तो शुभ फल मिलता है। माँ की उपासना और व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। कुंवारी कन्याएं अगर माँ की पूजा करें और व्रत रखें तो अच्छे वर का आशीर्वाद मिलता है। जिनकी कुंडली में मंगल स्थिति खराब हो, अगर वो भी माँ शैलपुत्री की उपासना करें तो मंगल स्थिति ठीक हो जाती है। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग सफ़ेद है, इसलिए माँ को सफ़ेद फल, फूल, चीनी आदि चढ़ाना चाहिए। उम्मीद है कि इस नवरात्रि में माँ आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।